हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में देखे थे सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या बताया था हमें, जो है सो सिंगल कॉलम में क्या था अपना, सिंगल कॉलम में सिंगल कॉलम था उसी लिए उसका नाम क्या दिया अपना, सिंगल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम में क्या था, टू कॉलम्स थे जैसे कि डिस्काउंटेड और कैश, या तो कैश और बैंक था, उसी लिए अपन उसको क्या बोले, डबल कॉलम कैश बुक। अब जो है सर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या देते हैं अपन, थ्री कॉलम्स दे रहे हैं, डिस्काउंटेड लॉट, कैश और बैंक, उसी लिए इसको क्या बोले अपन, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसका फॉर्मेट क्या है अपने को, सेम क्रेडिट साइड डेबिट साइड, जो अपन सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में लिए जैसा, वैसे ही सेम डेट पर्टिकुलर एल एफ, यहाँ पर क्या है डिस्काउंटेड लॉट है, कैश है और एक्स्ट्रा चीज क्या आ जा रही, बैंक आ जा रहे हैं। तीन तीन कॉलम्स एक साथ आए तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोल रहे हैं। अब पहला क्या दिया ट्रांजैक्शन, कैश इन हैंड दिया उन्हें, कैश इन हैंड बोले तो मैं सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में क्या बताया था, कैसा लिख लेना, और डेबिट साइड में टू बैलेंस बी बाई डी बोल कर लिख लेना था, टू बैलेंस बी बाई डी, कितना अमाउंट 6000। नेक्स्ट क्या दिया, कैश एट बैंक, बैंक में कितने हैं 10,000 रुपीज है, तो यहाँ पे अपन कैश में ऑलरेडी लिख दिए, बैंक में डायरेक्टली दे दिया उन्होंने, फिर से अपने को ट्रांजैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बैंक में 10,000 बोलकर लिख देना। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया उन्होंने, कैश सेल्स, अपन सिंगल और डबल कॉलम कैश बुक में जैसा देखे थे कैश सेल्स होते ही सेल करे तो अपन जो कैश है उसको क्या बोले अपन, कैश सेल्स बोले, पैसा आ रहा है ट्रांजैक्शन कौन सा साइड रिकॉर्ड करना अपन, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना अपन। फिफ्थ टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट वो 1900। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया, इश्यूड चेक टू डीमार्ट, अपन क्या करें चेक जो है सो डीमार्ट को दिए, डीमार्ट को देने से अपने बैंक में से बैलेंस कम हो जाता राइट, बैंक में से बैलेंस कम हो गया तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ अपने पास से पैसे जा रहे तो क्रेडिट साइड में आ जाता है ट्रांजैक्शन। सेवंथ के बाय डीमार्ट अकाउंट, कितना है बैंक में से अपन कितने का चेक दिए 1800 का दिए, उसीलिए अपन बैंक में 1800 लिख ले रहे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, जब अपन 1800 ट्रांजैक्शन चेक दिए उसको तो डिस्काउंट कितना मिला अपने को 200 रुपीज का डिस्काउंट मिला। डबल कॉलम कैश बुक में देखे थे ना अपन डिस्काउंट रिसीव रहा था पैसा, वही ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड कर लेना अपन। नेक्स्ट क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम साइड ट्रेडर्स, क्या बताया हमें सिंगल और डबल कॉलम में, अगर रिसीव आया तो डेबिट साइड में, पेड आया तो क्रेडिट साइड में एंट्री देना है, यहाँ पर रिसीव आया बोलिए अपन डायरेक्टली एंट्री कहाँ देते, डेबिट साइड में देते, टू साइड ट्रेडर्स अकाउंट, कितना अमाउंट है वो 1850। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट अलाउड, अपन कितना डिस्काउंट अलाउ करे 150 का अलाउ करे तो डायरेक्टली 150 डिस्काउंट अलाउड की कॉलम में लिख लेना अपन। नेक्स्ट क्या है, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पर क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन जो है सो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या तो विद इन द बिजनेस में हो रहा, उसी लिए ये क्या है ये ट्रांजैक्शन को क्या बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यहीं पर जो है सो बच्चे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर देखो कैश जो है सो अपन बैंक से विड्रॉ करे तो बैंक में से पैसे कम हुए कैश में पैसे आ गए ना अपने पास, तो 14th के दिन कैश में पैसे ज्यादा हो गए अपने क्योंकि बैंक से निकाले अपन, तो टू बैंक अकाउंट कहां पर डालना है कैश में ले अपन ट्रांजैक्शन, अपने पास कम कहां से हुए बैंक से हुए ना कम पैसे, वही सेम डेट लिख लेना 14 बाई कहीं के लिए कम हुए कैश निकाले हुए कम हुआ ना उसी यहाँ पे बाई कैश अकाउंट कितना 550। यहाँ पर सी बोलकर लिख के मेंशन कर देना कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है, यहाँ पर दो साइड भी सी लिख देना पर। नेक्स्ट क्या है अपना कैश परचेजेस, परचेज करा हमें तो कैश से परचेज करा तो कैश से पैसे चले गए अपने पास से, तो पैसे गए बोले तो कहां लिखते हैं अपन क्रेडिट साइड में एंट्री देते 22nd बाय परचेज अकाउंट कितना है वो 600 रुपीज। नेक्स्ट क्या है पेड इन टू बैंक, पेड इन टू बैंक बोले तो फिर से क्या हो गया अपन जो है सो पैसे अपने ही बैंक में पे कर रहे अपन, तो ये भी दो साइड से ट्रांजैक्शन हो गया, ये साइड भी देना है ये साइड भी ट्रांजैक्शन दे देंगे अपने को पेड इन टू बैंक, तो बैंक में पैसे ज्यादा हो रहे कैश से पैसे कम हो रहे, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे अपन 29 टू कैश से पैसे डाल देना अपन बैंक में कैश अकाउंट, बैंक में पैसे ज्यादा हो रहे कितने हो रहे 800 रुपीज ज्यादा हो जा रहे, यहाँ पर से 29 के दिन बाई अपन कैश कहां पर दे रहे
बैंक में डाल रहे ना तो कैश किस वजह से कम हो रहा है अपने पास, बैंक की वजह से, कितना सिर्फ 800 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है 30th के दिन सैलरी पेड बाई चेक, अपन सैलरी जो है चेक से पे करे, डायरेक्टली लिख ले सकते हैं चेक, क्या बोलते पे करे, बोले तो मैं क्या बोला क्रेडिट साइड में एंट्री आ गई 30th के दिन बाई सैलरी अकाउंट, कितना है वो 2400। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है बैंक चार्जेस एज पर बैंक पासबुक, बैंक जो है 50 रुपीज चार्ज करेगा थे किसके लिए, पासबुक के लिए, तो बैंक में से ही कट हो जाता ना, पैसे जा रहे हैं अपने, पैसे जा रहे बोले तो कहां पर आता एंट्री क्रेडिट साइड में आता बाय पासबुक चार्जेस अकाउंट, कितना 50 रुपीज। अब क्या करते हैं अपन टोटल कर लेते, पूरे ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर लिया अपन, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेना, ये जो है कॉन्ट्रा एंट्री था ये कॉन्ट्रा एंट्री लिख देता हूँ 800 का कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्या है अपन फर्स्ट जो है डिस्काउंट अलॉट का टोटल कर लेंगे, पर डायरेक्टली टोटल इंटर कर देने का रहता ना इसका 150, यहाँ पर जो है 200। नेक्स्ट कैश, कैश दोनों में से कौन से साइड ज्यादा है वही अपन दो साइड भी लिख लेते हैं अपन, क्या है यहाँ पे 6000 1900, कितना और चेक कर लेंगे 50 में ऐड कर लेते कितना 1900 और 500 2400 और 6000 कितना होता है 8400 9400 10300, इधर का कितना आ रहा अपने को 10300 हो रहा, इधर का कितना आ रहा टोटल चले तो अपने को 1400 हो रहा, तो 1400 में आ लीजिए दोनों में से कौन सा अमाउंट ज्यादा है 10300 या 1400, 10300 राइट, तो दोनों साइड भी क्या लिख लेना अपन 10300 10300, तो अपने कितने का डिफरेंस हो रहा है यहाँ पर, कितना था एक्चुअली 1400 था, अपन कितना लिख लिए 10300 लिख लिए, तो कितने अमाउंट मिलाने का यहाँ पे कितना आ रहा डिफरेंस 10300 में से 1400 निकाल लिए तो अपन 8900 आ रहा, तो 8900 यहाँ पे क्या कर रहे अपन ऐड कर ले रहे, उसको क्या बोलते हैं अपन जब भी ऐड कर लिए तो उसको कैरीड ऑन कर रहे अपन बाई बैलेंस कैरीड ऑन, कौन सी डेट लिखते हैं अपन मंथ का लास्ट डेट लिखते हैं हमेशा। नेक्स्ट क्या है बैंक का टैली कर लेंगे, बैंक का जो भी साइड ज्यादा है दोनों साइड भी वही लिख लेते हैं अपन 10000 और 800 कितना हो रहा है 10800 हो रहा, उधर का अमाउंट कितना हो रहा है 550 50 600 2400 3000 4800, तो दोनों में से कौन सा अमाउंट ज्यादा आ रहा है 10800 राइट, तो दोनों साइड में क्या लिख लेते हैं 10800 10800, तो कैरी डाउन कितना करना पड़ रहा है बैंक में अपने को 6000 करना पड़ रहा, तो वही 6000 यहां पर लिख लेते हैं, अगर यहां पर कैरी डाउन करें बोले नेक्स्ट मंथ में क्या होता है ब्रॉड डाउन हो जाता अपने को, तो ब्रॉड डाउन लिख लेंगे अपन 1 जुलाई बोले तो जुलाई के बाद क्या होता अगस्त टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना करें अपन कैश में कितना करें 8900 और बैंक में कितना करें 6000, इतना ही इजी रहता ट्रिपल कॉलम कैश बुक, सिर्फ डिफिकल्ट होता सो कॉन्ट्रा एंट्री में डिफिकल्ट होता क्योंकि दो साइड एंट्री देने का रहता आपको। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खास ट्यूटोरियल।